अस्सलाम वालेकुम। मास्टर ऑफ मशीन लर्निंग बाय नियाज। मास्टर ऑफ मशीन लर्निंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? हर बंदा इस चीज़ पे गौर व फिक्र कर रहा होता है, मशीन लर्निंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, हम यहाँ तक पहुँचते कैसे। दुनिया तरक्की पर तरक्की करती जा रही है लेकिन हम सिर्फ देख रहे होते हैं। नियाज ने ये इनिशिएटिव इस वजह से लिया कि अब आपको उस तरक्की का हिस्सा बनाया जाए, आप उस तरक्की का पार्ट बने। तो आइए सीखें मास्टर ऑफ मशीन लर्निंग में, जहाँ पर हम आपको सिखाएंगे कि मशीन लर्निंग क्या है, डेटा साइंस कैसे इससे मुंसलिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं, रियलिटी में हम क्या क्या कुछ बना सकते हैं। जैसे साइंटिफिक कुछ वर्किंग होती है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये वो प्रोजेक्ट्स होंगे जो आप लाइवली करोगे और वो आप इम्प्लीमेंट करके दिखा सकते हो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, कंपनीज में। आप डेटा को एनालिटिकल पार्ट से लेके डेटा एनालिसिस तक ये देख सकते हो कि डेटा बनाया कैसे जाता है, डेटा बनता कैसे है और डेटा को यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। आइए सीखें मेरे साथ इस नियाज के प्लेटफॉर्म पर, जहां पे हम सीखेंगे कि मशीन लर्निंग को, डेटा साइंस को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रियलिटी में यूज़ कैसे किया जाता है और उनको लाइवली प्रोजेक्ट्स के अंदर किस तरह काम किया जाता है। हम जब से डेटा एनालिसिस का या डेटा एनालिटिकल पार्ट को देख रहे होते हैं तो हम स्टॉक मार्केट को सबसे ज़्यादा देखते हैं। स्टॉक मार्केट में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है, अब स्टॉक मार्केट बनती कैसे है, गिरती कैसे है और उसके शेयर्स को डीग्रेड या इनग्रेड कैसे किया जाता है। स्टॉक मार्केट के अलावा मेडिकल डायग्नोसिस में डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। मशीन लर्निंग के अंदर जब हम ये चीज़ एनालिसिस कर रहे होते हैं कि रोबोटिक पार्ट या किसी भी ऐसे डिवाइस को आप बना सकते हो ताकि जिससे मुल्क की या किसी भी कौम की हेल्प हो, तो मशीन लर्निंग में हम वो भी सीखेंगे कि आप हेल्पिंग डिवाइसेस कैसे बना सकते हो, कैसे उनको इंटीग्रेट कर सकते हो और आपका जो डेटा है वो कैसे काम कर सकता है। आइए सीखें नियाज में और ये जानें कि डेटा को आप किस तरह मैनिपुलेट करके किसी भी चीज़ का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं।